17 फरवरी सन 1967 की रात्रि क्लास। अनुभव तो सब बताते हैं, अज्ञान काल और ज्ञान काल की चलन में फर्क हो जाता है। ज्ञान का इतना प्रभाव तो समझ में आता है, कोई की तकदीर ऐसी होती है जो दैवी गुण धारण नहीं कर सकते। तकदीर कहां से आती है? त्रेसठ जन्मों में जो जो कर्म किए हैं, अच्छे कर्म किए हैं या बुरे कर्म किए हैं, उन कर्मों से ही तकदीर बन करके आती है। अच्छा संग किया है तो अच्छी तकदीर, बुरे कर्म किए हैं तो बुरी तकदीर। लेकिन पिछले 63 जन्मों में भी अच्छे और बुरे कर्म का फाउंडेशन कहां पड़ता है? अच्छे संग और कुसंग का फाउंडेशन कहां पड़ता है? वो यही संगम युग है जबकि भगवान डायरेक्टर बन करके इस षष्ठ रूपी रंगमंच पर आता है। और जन्म जन्मांतर की शूटिंग कराता है। हम एक्टर्स जो आत्मा रूपी एक्टर्स हैं, जन्म जन्मांतर अनेक चोले धारण करते चले आए हैं। जो भी चोले धारण किए उनमें दो प्रकार के चोले, सृष्टि के आदिकाल से लेकर के मध्यकाल तक जिन्होंने देवताई चोले धारण किए, वो संगम युग में सुख की सृष्टि जरूर बनाते हैं, क्योंकि भगवान ही आकर के संगम युग में मनुष्य को देवता बनाते हैं। मनुष्य से देवता सब नहीं बनते, ये नर से नारायण बनने की पढ़ाई, नारी से लक्ष्मी बनने की पढ़ाई सब नहीं पढ़ते। भगवान बाप आकर के पढ़ाई पढ़ाते हैं। उस पढ़ाई पढ़ाने वाले को संसार जगत गुरु कहता है, सदगुरु कहता है।